प्यार एक एहसास है, पर शायद आज की पीढ़ी के लिए प्यार मानो सिर्फ शारीरिक संबंध बनाना है। ना सिर्फ संबंध बनाना बल्कि विकृत मानसिकता के चलते उसका वीडियो भी बनाया जाता है। आज ये किस्से आम है कि किसी ने विश्वास में लेके वीडियो बनाया और उसी विश्वास का मजाक उड़ाते हुए फायदा उठाने की कोशिश की, और जो इस जाल में फंस जाता है वो हर कदम पर हर किस्म की तकलीफ उठाता है। कई बार ये तकलीफ इस कदर बढ़ती है कि इंसान अपनी जान देना ही ज्यादा वाजिब समझता है। मेरी मदद करो, मेरी वाइफ को बहुत चोट लगी है, उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मेरी मदद करो। ये तो पुलिस का लफड़ा है भाई साहब, मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। आप पुलिस को फोन करो, वही कुछ करेगी। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, पुलिस आने तक ये मर जाएगी, इसको पहले हॉस्पिटल लेके जाते हैं। लेकिन ये सब हुआ कैसे? ये सब मैं तुम्हें आपको बाद में बता दूं, पहले इसको लेके जाते, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। डॉक्टर, नर्स, पुलिस को इन्फॉर्म करो, नॉर्मल इंजरी नहीं है। जी डॉक्टर। पायल मंत्री नाम की औरत है, उसकी ओपीडी में ट्रीटमेंट चल रही है। उसको हॉस्पिटल कौन लेके है? सर, उसका पति राघव मंत्री वहां पर बैठा है। शुरुआती एग्जामिनेशन के बेस पर मैं ये कह सकती हूँ कि पायल का रेप हुआ है शायद, और बहुत बुरी तरह से मारा गया है। फिलहाल कंडीशन बहुत बुरी है और पेशेंट बेहोश है। डॉक्टर, जैसे ही विक्टिम को होश आ जाता है आप हमें इन्फॉर्म कीजिए। जी हाँ साहब। ये मेरे पास आए और बोले इनकी बीवी को बहुत चोट लगी है, हॉस्पिटल ले जाने में मदद करो। पर साहब, जैसे ही मैंने जाके उनको देखा, इनको बोला कि पुलिस को बुलाओ, पर साहब ये बहुत रोने लगे। ये इतना ज्यादा रो रहे थे साहब, मेरे को तरस आ गया। ठीक है, मदद करने के लिए शुक्रिया, अपना नंबर कदम को देके जाना। जी साहब। सर, पायल को कोई ब्लैकमेल कर रहा था सोशल मीडिया पे, अलग अलग नंबर से मैसेज करता था, वैसे वाली फोटो और वीडियो भेजता था। सर, वैसे वाले फोटो और वीडियो डिलीट करने का 20 लाख मांग रहा था। पायल ने किसी तरह से उसे 2 लाख में मनाया और आज वही मामला खत्म करने वहां गई थी। उसने पायल को
स्कूल मोल यज्ञ के एक पुराने बंगले में बुलाया था अकेले में। मैंने पायल को कहा कि मैं उसके पीछे पीछे जाऊंगा ताकि उसे शक ना हो। मैं पायल का इंतजार करने लगा। 20 मिनट हुए, पायल बाहर ही नहीं आया, तो मैं अंदर चला गया तो पायल खुद से लटपट। क्राइम सीन की लोकेशन याद है? हाँ सर, यही हो जाए। पायल यही गिरी थी। हाँ साहब, मैंने भी पहली बार यहीं पर देखा था साहब। सावंत, फटाफट फॉरेंसिक टीम को बुलाओ और आसपास अच्छे से चेक करो। ओके सर। सर, पीछे भी एक दरवाजा है। हाँ साहब, वहां से ही भागा होगा, नहीं तो मुझे जरूर दिखता। आओ सावंत। सर, मुझे तो लग रहा है कि ये झूठ बोल रहा है, ये सब इसी ने किया हुआ है। पुलिस स्टेशन लेके चलो इसे। आपको जितना पता था आपने सब कुछ लिख दिया ना? हाँ हाँ, पर ये नहीं लिखा ना कि आप ही ने उसके साथ ये सब कुछ किया है। क्या? मैंने कुछ नहीं किया आयशा, पर मैंने कुछ नहीं किया सर। पर मुझे पता है पायल के साथ किसने किया होगा। उसका पहला वाला बॉयफ्रेंड संजू, मतलब संजय प्रधान सर, फोटो वीडियो उसी ने बनाए थे, उसने ही किया होगा सर। गुड मॉर्निंग। हाय। हाय। तुम्हें याद है ना आज हम डेट पे जाने वाले हैं? एक्चुअली मुझे प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है तो शायद यही रुकना होगा आज पूरी रात, सो नॉट पॉसिबल, सॉरी। पर संजू, तुमने तो कहा था कि। या आई नो बट नॉट पॉसिबल। पुलिस? यस सर। पायल मंत्री को जानते हो? हाँ, क्यों, क्या हुआ? वो इस वक्त हॉस्पिटल में है और बुरी हालत में है। उसका किसी ने रेप किया और उसे बहुत बुरी तरह से जख्मी किया है। उसके पति राघव का कहना है कि ये सब तुमने किया। What? सर, मैं ये सब क्यों करूंगा सर? राघव कह रहा है कि तुम पायल को ब्लैकमेल कर रहे थे। खोटे बोलते हो सर, तो बकवास कर रहा है, झूठ बोल रहा है वो। मेरा और पायल का 6 महीने पहले ब्रेकअप हुआ। तब के बाद बस 1 हफ्ते पहले मैं उसे मिलने गया था, वो भी बस जब मुझे पता चला कि उसकी फादर की डेथ हुई है तो कंडोलेंस के लिए अपने लंच ब्रेक में चला गया था सर, बस दैट्स इट। तुम? हाय। एक्चुअली अंकल के डेथ के बारे में पता चला इसलिए। आओ। तो जब तुम पायल से मिलने उसके घर गए तो उसका पति राघव वहाँ मौजूद था? मैंने अभी सुना अंकल के डेथ के बारे में। बीमार थे क्या? हाँ बीमार थे। तो उसके पिता की मौत का बहाना बनाकर तुम उससे मिलने गए, बोल नहीं पाए उसे। ब्रेकअप होने के 6 महीने बाद तक वो फोटो और वीडियो तुमने सेव करके रखे, वो उसे भेजे और ब्लैकमेल करने लगे। सर, मैं ऐसा क्यों करूंगा सर? और मैं हैरान हूं कि पायल को भी यही लग रहा है कि मैं उसे ब्लैकमेल कर रहा हूं। और क्या सोचेगी, जो फोटोज और वीडियो सिर्फ तुम्हारे पास हो सकते हैं वो कोई दूसरा तो भेज नहीं सकता उसे। सर, एक्चुअली जिस दिन मैं पायल से मिलने गया उसी दिन मेरा फोन खो गया और वो फोटोज और वीडियोज उसी फोन में थे, और मुझे याद ही नहीं आ रहा है कि मैं अपना फोन कहाँ भूला, पायल के घर भूल गया या फिर कहीं और, मुझे याद ही नहीं आ रहा है। वाह, स्टोरी बहुत अच्छी बनाई है। फोन खो गया तो उसकी पुलिस कंप्लेंट की? हाँ, ये सही है कि मैंने पुलिस कंप्लेंट नहीं की, मगर वो सिम मैंने उसी दिन डीएक्टिवेट किया सर, और वो नंबर मैं यूज नहीं कर रहा हूँ। मैं, अगर आप चाहो तो कंपनी से चेक करा सकते हो। और उसके बाद से मैं दूसरा नंबर यूज कर रहा हूँ सर, ये देखिए, ये देखो। सावंत, दोनों नंबर नोट कर लो और जब तक ये केस सॉल्व नहीं होता शहर से बाहर मत जाना। एक्सक्यूज मी सर, कुछ प्रॉब्लम हुई है क्या? नहीं, दरअसल वो एक मिनट। हेलो। दरअसल उनका फोन गुम हो गया है, उसी के बारे में इंक्वायरी करने आए थे। आप कुछ जानते हैं उसके बारे में?
सर उसका फोन गुम हो गया था, बस इतना ही मालूम है। आपका नाम क्या है? सुधा शर्मा। क्या हुआ, कोई परेशानी? नहीं सर। सब पायल के सर पर और बॉडी पर बहुत गहरी चोट लगी है, उससे भी बुरा और गहरा घाव उसके प्राइवेट पार्ट्स में पाया गया है। मतलब उसके साथ बहुत वायलेंटली रेप हुआ है? नहीं, उसके साथ रेप नहीं हुआ है, पर किसी ने अननेचुरल तरीके अपनाए, सलिए जैसी किसी चीज को जबरदस्ती उसके प्राइवेट पार्ट में इंसर्ट किया गया है। उस वक्त उसने जो दर्द सहा होगा वो तो हम सोच भी नहीं सकते। उसके सर पे कहाँ चोट लगी? लेफ्ट साइड में। यहाँ? जी। मतलब वार सामने से किया गया, हो सकता है कि उसने देखा होगा किसने उस पे वार किया। उसके साथ रेप नहीं हुआ है, सलिए जैसी चीज यूज हुई है, मतलब सीमेन के ट्रेसेस भी नहीं मिलेंगे। एक गलती है ये। अच्छा, वो अनमोल अंतरंग पल जो दो लोगों के बीच होते हैं पूरी तरह से व्यक्तिगत होते हैं। पायल और संजू ने उसे भी कैमरे में कैद करना चाहा, और इसकी वजह बेशक जो हो, पर आज उसका भुगतान ये था कि पायल की जिंदगी, उसका भविष्य, यहां तक कि उसका पूरा वजूद खतरे में था। सवंत इतना तो तय है कि जिसने भी ये क्राइम किया है पायल को सजा देना चाहता था या उससे बदला लेना चाहता था। सर आपका मतलब है कि ब्लैकमेलर ने पायल को वहां पर सिर्फ मारने के लिए या बदला लेने के लिए बुलाया था? हमारे पास दो सस्पेक्ट्स हैं। पहला राघव, क्योंकि मुझे लगता है कि वो पूरा सच नहीं बोल रहा है। हो सकता है कि संजय अपना फोन पायल के घर पे भूल गया हो और वो फोन राघव के हाथ लग गया। राघव ने संजय और पायल की फोटोज और वीडियोस देखी और पायल को सजा देने का डिसीजन लिया। और संजय? हो सकता है कि संजय पायल को भुला नहीं पाया और इसलिए उससे बदला लेने की प्लानिंग कर रहा था। उसने कई दिनों तक 10 नंबर वाले रोड के बंगले पे नजर रखी और जब पाया कि बंगला खाली है तो पायल को वहां बुलाया। सवंत, संजय और राघव दोनों के कॉल रिकॉर्ड चेक करो और देखो संजय के मोबाइल की लोकेशन उस बंगले के आसपास है क्या। आपको पता नहीं कि यहाँ सिर्फ डॉक्टर्स का आना अलाउड है? देखिए, पायल को अभी तक होश नहीं आया है। जैसे उसको होश आएगा सबसे पहले पुलिस उसका बयान लेगी। प्लीज आप जाइए यहाँ से, जाइए। अच्छा, आप शांत हो जाइए, अपने आप को संभालिए। डॉक्टर ने कहा है कि अभी मिल नहीं सकते। क्यों क्यों नहीं मिल सकते? आप पहले शांत बैठिए, बैठिए आराम से। क्या लिखा है मैसेज में? बी अवेयर, योर वाइफ इज मीटिंग हर लवर अगेन। क्या लगता है आपको ऐसे मैसेजेस कौन भेज सकता है? पता नहीं सर, पर इस नंबर पे मैंने फोन किया था पर किसी ने फोन उठाया नहीं। ठीक है, आप जाइए, हम देखते हैं। जी सर। सावंत, जरा तुम लगा के देखो ना, शायद उठा ले। हेलो, वैशाली तांबे मैडम है का? उनका एक पार्सल है, जरा अर्जेंटली देने का है। मैं वैशाली नहीं हूँ। तो आप क्यों बोल रहे हो? वैशाली मैडम को दो, वो घर पे है ना। तुम पागल हो क्या? लैंडलाइन नहीं, तुमने मोबाइल पे फोन किया है, और ये किसी वैशाली का नंबर नहीं है बल्कि सुधा शर्मा मेरा नंबर है, समझे? सर ये तो वही सुधा शर्मा है, संजय के ऑफिस वाली। सर आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं? उस दिन आप बहुत सवाल पूछ रही थी तो हमने सोचा हम भी कुछ आपसे पूछ ही लेते। ये फोटो राघव को आपने भेजी थी? हाँ। क्यों? सर वो संजू ने पायल के साथ ब्रेकअप कर दिया था और फिर अचानक से उन लोगों ने मिलना जुलना शुरू कर दिया।
आज तुम्हें कैंटीन से खाने की जरूरत नहीं है, मैं घर से हम दोनों के लिए लंच बना के लेकर आई हूँ, चलो खाना खाते हैं। एक्चुअली सुधा तुम खा लेना, क्योंकि मैं पायल से मिलने जा रहा हूँ। पायल, तुम फिर से उसके चक्कर में पड़ गए ना? वो अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है संजू, उसकी शादी हो चुकी है। तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है सुधा। देखो, पायल के फादर की डेथ हुई है, कंडोलेंस के लिए जा रहा हूँ मैं बस, प्लीज। सर, मुझे लगा कि एक बार की बात होगी, हमदर्दी जताने जा रहा होगा, लेकिन उसके बाद उन दोनों ने मिलना जुलना शुरू कर दिया। सर, मैं समझ गई कि ये दोनों बाहर जा रहे हैं, इसीलिए मैंने उन दोनों का पीछा किया। पता चला वो दोनों वहाँ क्या करने गए थे? पता क्या करना है सर, दोनों पुराने आशिक हैं, ढूंढ रहे होंगे कोई सुनसान जगह। और इसी बात की जलन हो रही थी तुम्हें, क्यों? हाँ, क्योंकि मैं संजू से प्यार करती हूँ, और आज से नहीं बहुत सालों से। अब उसे तो मैं रोक नहीं पा रही थी, इसीलिए मैंने राघव को वो फोटोग्राफ्स भेजे, ताकि वो अपनी बीवी पर कुछ तो लगाम लगाए। तुम्हें पायल पर रोक लगाने की कोई जरूरत नहीं है, अब वो संजय से तो क्या अपने आप से भी नहीं मिल पा रही है। किसी ने पायल पर जानलेवा हमला कर दिया और इस वक्त वो हॉस्पिटल में मौत से जूझ रही है। कितने फोटो खींचे थे संजय और पायल के? 25 के करीब खींचे होंगे। हमें वो सारे फोटोग्राफ्स चाहिए। ओके। लगता है दोनों टेंशन में है, ऐसा लग रहा है जैसे। एक मिनट, वापस जाओ, जूम करो। सर, ये तो राघव है, मतलब वो जानता था कि पायल संजय के साथ है और वो उसका पीछा कर रहा था, और यही फोटो हमें दिखा के वो इनोसेंट बनने की कोशिश कर रहा था, जैसे कोई नया खुलासा हुआ हो। सावन, नया खुलासा ये अब करेगा। गड़बड़ हो गई, बहुत बुरी हालत में हो। होश कब तक आएगा? पता नहीं। जैसी होश आए मुझे फोन करना, बहुत जरूरी बात करनी है, भूलना मत। सर, सर अब क्या कर रहे? ये देख। सर मैं बोलता हूँ। अपनी बीवी पे तूने हमला किया और हमें गुमराह करने के लिए संजय का नाम ले रहा है। सर, मेरी बात तो सुनिए ना। सर सुना, 3 महीने पहले हमारी शादी हुई थी, तब से मैं सोच रहा था कि पायल जैसी खूबसूरत होनहार लड़की मेरे जैसे आदमी से तुरंत शादी के लिए तैयार होगी, और कुछ दिन बाद मेरे हाथ मेडिकल की फाइल लगी। क्या ये? हाँ, इतना बड़ा धोखा दिया तुम लोगों ने मुझे? किसका बच्चा था? बोलो, किसका बच्चा था? ये सच है कि शादी से पहले मेरे ऑफिस कलीग संजय के साथ मेरा अफेयर था। मैं प्रेग्नेंट भी हो गई थी, लेकिन मुझे जल्दी रियलाइज हो गया कि संजय अच्छा नहीं है मेरे लिए। मैंने अबॉर्शन करा दिया, सोसाइटी को अबॉर्शन के बारे में पता चल गया, कोई मुझसे शादी नहीं करना चाहता था, शादी के लिए कोई अच्छा लड़का नहीं मिल रहा था, फिर आपका रिश्ता आया, मैंने शादी के लिए हाँ कह दिया। प्लीज राघव, मुझे समझने की कोशिश।
अब समझ में आया, तेरी जैसी पढ़ी लिखी खूबसूरत लड़की ने मेरे जैसे आदमी में ऐसा क्या देखा? अच्छा तो अपनी बीवी की एबॉर्शन की रिपोर्ट पढ़ने के बाद तुझे दुख गुस्सा कुछ नहीं हुआ? बहुत गरीब बेचारा आदमी बन रहा तू। हालात के साथ समझौता करने की कोशिश कर रहा था सर, पर पायल सुधरी ही नहीं। सर मैंने देखा कि वो फोन पे हमेशा लगी रहती थी। काय झालं? इतनी परेशान क्यों? पर ऐसा क्या है फोन में जो एक मिनट के लिए नहीं छोड़ती? नहीं वो पता नहीं आजकल बहुत ब्लैंक कॉल्स आने लगे हैं, वही देख रही थी। अच्छा देखो मैं देखता हूँ कौन है। नहीं नहीं मैं देख लूंगी, मैं देखती हूँ। तब मुझे समझ में आया कि पायल फिर से संजू से नाता जोड़ रही है। उस दिन पायल घर पे थी तब संजू घर आया, तभी मेरा शक यकीन में बदल गया और उसी शाम से लगातार फोन और मैसेज आने लगे। तब मैंने ठान ली कि उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ने का। जब दूसरे दिन वो दोपहर में निकल गई तो मैं उसके पीछे चला गया। वो पायल पहले संजू के ऑफिस गई और फिर एक सुनसान जगह गई। बस घर आई तो मैंने उसे बताया कि मैंने उसे संजू के साथ घूमते देखा था। तब वो रोने लगी और उसने मान लिया कि वो संजू से मिली थी। पर क्या? संजू और मेरा जब अफेयर था तो हमने अपने कुछ वीडियोस बनाए थे और कुछ बोल्ड फोटोज भी लिए थे, और आज वही फोटोज और वीडियोस भेजकर मुझे कोई ब्लैकमेल कर रहा है। कह रहा है कि अगर 20 लाख नहीं दिए तो वो फोटोज और वीडियोस वायरल कर देगा। मैं संजू के यहाँ भी गई ये कहने कि वो एक घटिया हरकत छोड़ दे, लेकिन उसने कहा कि उसका मोबाइल खो गया है। जब ब्लैकमेलर ने मुझे बुलाया तो मैं संजय को लेकर गई थी, लेकिन ब्लैकमेलर नहीं आया। तब मुझे यकीन हुआ कि ये ब्लैकमेलिंग संजय खुद कर रहा है, उसने खुद मुझे वो फोटोज और वीडियोस भेजे। राघव मैंने शादी से पहले का सच आपसे छुपाया था, पर अब सब सच कह रही हूँ। राघव प्लीज मेरा यकीन करो, प्लीज मेरी हेल्प करो। राघव प्लीज प्लीज मेरी हेल्प करो। जो था वो मैंने बोल दिया सर, मैंने आपसे कुछ नहीं छुपाया। सर मुझे क्यों? सर मैंने सब कुछ बता दिया है सर, आपको सब कुछ बता दिया है। हेलो ये क्या है? सर ये फोटोज, सर बताता हूँ सर, उस दिन जब मैं पायल के घर गया था ना उसके अगले दिन तुमने कसम खाई थी कि तुम वो फोटोज और वीडियोस डिलीट कर दोगे, और तुमने ऐसा नहीं किया, और आज उसी के जरिए मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। पायल मैंने तुम्हें कहा कि मेरा फोन खो गया है, शायद किसी ने चुरा लिया होगा। एक मिनट टाइम दिखाओ मुझे, कितने बजे तुम्हें ये फोटोज वीडियोस आए दिखाओ मुझे। इसके एक घंटे बाद जब मुझे रियलाइज हुआ ना कि मेरा फोन खो गया है, मैंने अपना सिम कार्ड डीएक्टिवेट कर दिया। शायद जिस किसी ने मेरा फोन चुराया था उसने तुम्हें ये फोटोज वीडियोस भेजे होंगे। झूठ बोल रहे हो तुम, झूठ बोल रहे हो। ये सब तुमने अलग अलग नंबर से मुझे भेजा है ना? और वो मैसेज कि मंदिर के पीछे आके मिलो, वो भी तुमने ही मुझे भेजा था, क्योंकि तुम ब्लैकमेलर हो। इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें तुम्हारे ऑफिस में आके ही पकड़ लूंगी। पायल मैंने कोई मैसेज या फिर वीडियोस नहीं सेंड किए तुम्हें, और अगर तुम ये चाहती हो कि मैं प्रूफ करूं तो ठीक है, तुम्हें जहां बुलाया है ना वहां मैं भी आऊंगा। उस आदमी को देख के तुम्हें यकीन हो जाएगा कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है चलो चलो। क्या यही बुलाया था तुम्हें? तुम एक काम करो, मैं यही रुकता हूँ, जाके देख क्या।
क्या हुआ, कोई आया नहीं क्या? 15 मिनट हो गए, कोई नहीं आया, और आएगा भी कैसे, क्योंकि वो मैसेज तुमने मुझे किया था। मैंने कुछ नहीं किया पायल। मैं सब जानती हूँ संजू, वो फोटोज और वीडियोस तुमने मुझे भेजे हैं। मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ, अगर नेक्स्ट टाइम से कोई भी फोटो या वीडियो तुमने मुझे भेजा ना, मैं सीधे पुलिस के पास चली जाऊंगी। अरे मैंने कुछ नहीं किया पायल। सर ये उसी जगह के फोटो है जहाँ पर हम गए थे, हमने वहाँ पे 15 मिनट वेट किया लेकिन वहाँ पे कोई आया ही नहीं। सर आता कैसे, तो खुद तो वहाँ था, पायल ने तेरा प्लान फ्लॉप कर दिया। सर ऐसा कुछ नहीं है सर, और पता नहीं पायल को भी ऐसा ही लग रहा था कि मैं ही ब्लैकमेलर हूँ, और वो मुझे पर शक कर रही थी। सर मैं बोल रहा हूँ कि मेरा फ़ोन चोरी हो गया था और वो फोटोज और वीडियो सब उसी फ़ोन में थे। सर बैकअप नाम की भी कोई चीज़ होती है, वो फोटोज और वीडियोस कहीं तो सेव करके रखे होंगे तूने। सर मेरे पास कोई फोटोज और वीडियोस नहीं है। सर इसका मोबाइल लैपटॉप सब सीज करो और बिठा के रखो जब तक सच सामने नहीं आता। सर मैंने कहा ना सर मैंने कुछ नहीं किया। सर पायल को मारने का मोटिव राघव और संजय इन दोनों के पास है, लेकिन इस तरह से इतना घनाडे कृत्य वो क्यों? समझ, क्योंकि दोनों के मोटिव में बदला छुपा हुआ था। सर अब तो ये पायल ही बता सकती है कि वो घिलौनी हरकत किसने की। बंटी पायल अभी भी होश में नहीं आई। जीजाजी मैं दीदी से नहीं आपसे मिलने आया हूँ। क्यों? इस पे साइन कीजिए। इसमें क्या है? ये मेरे बाप की जिंदगी की जमा पूंजी है जिसका हक दीदी के पास है। अब वो डिसाइड करती कि मैं और मेरी माँ पैसे कैसे खर्च करें। मुझे पैसे अर्जेंट चाहिए और दीदी की हालत आपको पता है, मरना जीना सब बराबर है। अब बचे आप उसके नॉमिनी, फटाफट साइन करो ताकि मुझे पैसा मिल जाए। भूल जा साइन को, निकल। भड़कने की जरूरत नहीं है, बीपी बढ़ जाएगा, 20 लाख की जरूरत है मुझे। साइन करो, आके लेके जाऊंगा पेपर्स। बंटी सर, संजय के दूसरे मोबाइल के लोकेशन के मुताबिक जिस दिन पायल पर हमला हुआ उस दिन संजय ऑफिस में ही था। सावंत ये भी तो हो सकता है कि ये लोकेशन सिर्फ उसके फोन की हो, वो कोई तीसरा ही नंबर लेकर पायल से मिलने गया हो, क्योंकि पायल को जितने भी कॉल्स और मैसेजेस आए एक नहीं बल्कि मल्टीपल नंबर से आए। सर सोशल मीडिया पर पायल को जो ब्लैकमेलर मैसेज कर रहा था उस कंप्यूटर का आईपी एड्रेस एमजी रोड के साइबर कैफे का है। हमने वहाँ की सीसीटीवी फुटेज चेक की, मैसेज की टाइमलाइन और सीसीटीवी फुटेज मैच करने के बाद ये पता चला है कि एक लड़का वो उस टाइम वो कंप्यूटर यूज कर रहा था। ये रही उसकी फुटेज। कैप से चेहरा ढका हुआ है, नजर नहीं आ रहा। इसका नाम और एड्रेस चेक किया था? जी सर, सलमान शेख के नाम से एंट्री है, लेकिन नाम और एड्रेस दोनों ही फेक है सर। साइबर कैफे पे नजर रखो, हो सकता है दूसरी बार आएगा ये। जी सर। सर राघव मंत्री आपसे मिलना चाहता है, बोल रहा है कुछ अर्जेंट काम है आपसे। भेजो। क्या हुआ? ये पेपर्स बंटी ने दिए। बंटी मतलब पायल का भाई। पायल के फादर के मरने के बाद जो इंश्योरेंस का पैसा मिला था उसमें उसको हिस्सा चाहिए। कुछ दिन पहले इस पैसे के मामले में हमें धमकी देके गया था। भीख नहीं मांग रहा हूँ, अपना हिस्सा मांग रहा हूँ। बड़ी हो ना इसलिए तुम्हें नॉमिनी बनाया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारा पैसा तुम्हारा है। तेरी हरकतें देख कर ही उन्होंने ऐसा किया है, और ये पैसा तेरे जुए में उड़ाने के लिए नहीं है, समझा? जुआ खेलू, पैसे को आग लगा दू, उससे तुम्हें क्या? तुम अपने काम से काम रखो, वरना मैं बता रहा हूँ। क्या कर रहा है तू यहाँ? गुंडागर्दी दिखाएगा? तुमको जो सोचना है सोच लो, मैं अपने पैसे के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। बोल रहा हूँ मुझे मजबूर मत करो। तुझे पोकल धमके ना दूसरे ना दे, जितनी बात होनी थी ना हो गई। पहले अंदर चलो। ये बंटी काम क्या करता है? कुछ नहीं सर, सट्टा खेलता रहता है। और जो आपके घर पे आया था कब की बात है? हाँ उसी दिन की बात है जब संजू पायल को मिलने आया था, और संजू जाने के बाद वो आ गया। कितना पैसा मांग रहा है? 20 लाख। सर 20 लाख? ब्लैकमेलर ने भी 20 लाख की डिमांड की थी। मतलब बंटी? हो सकता है सर, उस दिन बंटी पायल को मिलने के लिए आया था, और हो सकता है कि संजय का मोबाइल उसके हाथ लग गया हो। सर उस मोबाइल में जो फोटो थे उसके जरिए बंटी ने 20 लाख की डिमांड की, और जब उसे नहीं मिले तो उसने पैसे पाने के लिए दूसरा तरीका अपना लिया। उड़ा लो उसको।
क्या मदद करूंगा? अभी यही बोलेगा कि तू उसे ब्लैकमेल नहीं करता था। ये वही कैप है जो पहन के तू साइबर कैफे जाया करता था। सर मैं तो कभी साइबर कैफे गया ही नहीं सर। और सर कैप भी मैं अभी अभी पहनना शुरू किया। वो सर सट्टेबाज वाले फोन करके धमकी देते सर, अगर 20 लाख रुपए नहीं दूंगा तो मार डालेंगे सर। जिस दिन पायल पे हमला हुआ तेरा फोन क्यों बंद था? सर वो तो गुंडों के चक्कर में सर मैं ज्यादातर ऑफ ही रखता हूँ सर। पायल ने पैसे देने से मना कर दिया, तूने उसकी ये हालत कर दी? बड़ा यकीन है ना तुझे कि बचेगी नहीं वो? सर वो मेरी बहन है सर, मैं अपनी बहन को कैसे मार सकता हूँ सर? ब्लैकमेलर ने 20 लाख रुपए मांगे थे, मुझे भी 20 लाख चाहिए थे सर, मुझे 20 लाख ही चाहिए थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी बहन का ये हाल करूंगा। और आपको मारना ना सर मार दो, फांसी पे चढ़ाना चढ़ा दो सर। वैसे भी मैं मरने वाला हूँ सर, 20 लाख रुपए नहीं दूंगा वो लोग मार देंगे, मेरी मौत पक्की है सर। कदम अंदर डालो इसको। सर 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 सुनिए सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। सर प्लीज सर, चल सर प्लीज सर। सर डॉक्टर, 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 पायल को शायद होश आ रहा है, वो कुछ कहने की कोशिश कर रही है। कम आप लोग यहीं रुकिए, आपको बोलो। होश तो आ गया ना? नहीं, पायल को अभी तक होश नहीं आया, बल्कि ये बुरा साइन है। बॉडी का कुछ रिएक्शन था। कोमाटोस स्टेज के जो पेशेंट होते हैं अक्सर ऐसे दिखाते हैं कि जैसे कि वो जिंदा है। कोमाटोस का मतलब? आपको कैसे समझाए, ये समझ लो कि पायल कोमा में जा रही है। सिस्टर पायल के बारे में पुलिस को इन्फॉर्म कर दो। अगर संजय वाकई में अपना फोन पायल के घर पे भूल गया था तो फोन या तो राघव को मिल सकता है या बंटी को। राघव को शादी से पहले बोले गए झूठ को लेकर गुस्सा था और बंटी को पैसों की जरूरत, जिसकी वजह से ये दोनों पायल से बदला ले सकते हैं। सर ये भी हो सकता है कि ना ही फोन छूटा हो और ना ही फोन चोरी हुआ हो, बल्कि खुद संजय ने अपने किसी दोस्त को वो फोन दिया और उसके जरिए पायल से बदला लिया हो। दोस्त मतलब सुधा? हो सकता है। या फिर ये भी हो सकता है सावंत के राघव और बंटी एक दूसरे से मिले हुए हो। हेलो, ओ ओके, हॉस्पिटल से फोन था। डॉक्टर का कहना है कि पायल कोमा में चले गए हैं और कोमा से बाहर आने के उसके चांसेस बहुत स्लिम है। मतलब शायद ही वो हमें कभी बता पाएगी कि उसके साथ ये सब किसने किया। आइए सर, इनका फोन कल जयानगर से चोरी हुआ है, हमने कंप्लेंट तो ले ली है सर, लेकिन इनको आपसे मिलना था। क्यों, ऐसी क्या खास बात है? सब मेरा नाम मिट्टलगढ़ से सर। प्लीज मेरा मोबाइल खोज दीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ सर, उसमें कुछ जरूरी फोटो है। ऐसी क्या जरूरी फोटो है? सर मेरी 11 साल की बेटी थी, उसकी बीमारी की वजह से मौत हुई, उसी की कुछ तस्वीरें और आखिरी यादें थी जो हॉस्पिटल मिली थी। मुझे मोबाइल नहीं मिला तो भी चलेगा सर, बस मुझे वो फोटो दिला दीजिए सर। कहाँ से चोरी हुआ आपका मोबाइल? वो कल मैं जयनगर से आ रहा था तो किसी ने मुझे इशारे से बता दिया कि तुम्हारा गाड़ी का टायर पंचर हुआ है। गाड़ी से नीचे उतर के देखा तो टायर ठीक था सर। वापस मैं गाड़ी में आके बैठा तो डैशबोर्ड से मेरा मोबाइल गायब। सर जयनगर से फोन चोरी की ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं,
इनका पूरा का पूरा गैंग है सर। जानबूझकर लोगों का ध्यान भटकाते और फिर फोन चोरी करते। ठीक है, आप जाइए, हम देखते हैं। चलिए। सावंत, संजय को इंट्रोगेशन मिलो। ओके सर। सर सर मुझे छोड़ दो सर, मैंने कुछ नहीं किया। रोना गाना बंद कर, बैठ जा। मुझे ये बता, जिस दिन तेरा फोन चोरी हुआ उस दिन कुछ हुआ था? जी, याद नहीं आ रहा है सर मुझे। ठीक से याद करके देख, जयानगर की तरफ गया था? जयानगर सर, जयानगर से तो मैं हर रोज निकलता हूँ, वहाँ कुछ नहीं हुआ था सर। हाँ सर, जब मैं उस दिन पायल के घर से वापस आ रहा था ना, तब वहाँ किसी का झगड़ा चल रहा था सर। तो तेरा फोन बाजू की सीट पे रखा हुआ था? फोन हाँ, मैंने अपने कार के बाजू के सीट में रखा था, कार के दोनों विंडोज खुली थी सर। सर इसका मतलब मेरा फोन वहीं से चोरी हो गया सर। दो लड़कों की शक्ल याद है जिनका झगड़ा चल रहा था? नहीं सर। सावंत, जयानगर और उसके आसपास के एरिया के सारे हिस्ट्री शीटर्स को राउंड पे लो, उनको पूछो वो किसी फोन चुराने वाले गैंग को जानते हैं। ओके सर। सर मुझे जाने दीजिए सर, प्लीज। जा, लेकिन शहर से बाहर मत जाना। सर, इन 5 मोबाइल फोन के IMEI नंबर पायल को जो मैसेज आ रहे थे उन फोन से मैच हो रहे हैं। चोरी के फोन खरीदना और बेचने का काम करता है तू? तुझे पता ना ये क्राइम है? साफ धंधा है ये मेरा, लोगों को फोन बदलना अच्छा लगता है, अब उसमें कभी कभी चोरी का भी आ जाता है। अभी साहब कैसे पता चलेगा कौन सा चोरी का और कौन सा नहीं? पर हाँ, हर 2 दिन में एक आदमी आता है, मुझे लगता है वो चोरी का माल बेचता है। क्या नाम है उसका? साहब नाम तो नहीं मालूम, पर अब क्यों आया तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। नंबर लिख। हाँ साहब। क्या रफीक भाई, रफीक भाई बे, काम कब करेगा? हाँ हाँ चल ठीक है, मोबाइल बेचने गए। ऐसा क्या देख रहे हैं, क्या हो गया? अरे कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं तो मोबाइल चेक कर रहा था। हाँ अच्छा, इसका 5,000 मिलेगा? हाँ चलेगा, निकाल पैसा। रुक लाता हूँ। हाँ साहब, मैंने जो आदमी के बारे में बोला था ना, वो आया फोन बेचने, रफीक नाम है उसका। अभी 3,000 ही है, बाकी का 2,000 दो मिनट में अरेंज करके देता हूँ। चलेगा, लेकिन जल्दी कर भाई। हाँ जल्दी हो जाएगा। चलना भाई, कितना टाइम लगेगा, लेट हो रहा है। हाँ बस दो मिनट। भाई बहुत लेट हो रहा है, ये ले तेरा पैसा, ले मोबाइल दे वापस। अरे 2 मिनट रुक। नहीं मेरे को निकल लेगा, मोबाइल दे, मोबाइल दे। अरे भाई सुन तो सही है। नहीं चाहिए यार, बहुत लेट हो रहा है, तू ला मोबाइल ला। साहब वो अभी निकला। बोरा साहब, बोरा साहब, तो
चलो हटो हटो बाजू लावा चला। सर ये तो वही है इसका कल मैंने पीछा किया था, रफीक नाम है इसका। सावंत इसे मारा इसीलिए गया है क्योंकि अगर ये जिंदा रहता तो पकड़ा जाता, और अगर पकड़ा जाता तो सब कुछ बक देता। संजय और राघव की मोबाइल लोकेशन निकालो, देखो वो दोनों कल रात कहाँ थे, इसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ओके सर। सर रफीक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, इसके मुताबिक रफीक पर एक नहीं कई वार किए गए, उसे बचने का मौका भी नहीं मिला। सर हो सकता है कि रफीक के ऊपर जिसने भी वार किया हो वो रफीक का जान पहचान वाला हो। सावन लेकिन सवाल अब भी यही है कि रफीक को मारा किसने? सर संजय के मोबाइल लोकेशन के मुताबिक कल शाम 7 बजे तक वो घर पर ही था, लेकिन राघव की मोबाइल लोकेशन बस अड्डे के आसपास दिखा रही है। अब कोई नाटक मत करना, हम सब जानते हैं पहले पायल पे हमला और अब रफीक का मर्डर। कल रात बस अड्डे क्या करने गया था? सर पायल की माँ का वापसी का टिकट बुक करने गया था। ये देखिए बहुत स्मार्ट आदमी है, टिकट बुक करने के बहाने मर्डर कर दिया। नहीं सर मैं टिकट बुक करने गया था। भाई ये मोबाइल बेचना था। नहीं मतलब कितना मिलेगा इसका? ये राघव झूठ बोल रहा है। सर मोबाइल वाले का फोन। साहब कल रफीक के हाथ में जो फोन था वही फोन लेकर एक आदमी आज इधर आया था। साहब मैंने उसको रोकने की बहुत कोशिश की ताकि आपको इत्तला कर दूं, पर वो जल्दी में था, बाइक लेकर निकल गया। साहब मैंने उसकी बाइक का फोटो खींच कर आपको सेंड कर दिया है, उसमें आपको उसकी बाइक का नंबर मिल जाएगा। सावंत इस नंबर को हर चेक नगे पे हर टोल नगे पे सर्कुलेट कर दो, पेट्रोलिंग टीम को अलर्ट कर दो, मुझे बाइक वाला किसी भी हाल में चाहिए। नाम क्या है तेरा? नाम क्या है तेरा? बस शौकत साहब पूना का रहने वाला, बचपन से बहुत गरीबी देखी है साहब, हुनर के नाम पर सिर्फ मोबाइल रिपेयरिंग का काम जानता था साहब, इतनी महंगाई में घर नहीं चलता साहब, मेरे को बहुत जल्दी पैसा कमाने का था साहब, इसलिए अपने दोस्त रफीक के साथ मिलकर मैं लोगों का ध्यान भटका कर उनके मोबाइल उड़ाता था। मैं लॉक खोलकर डाटा क्लीन कर मोबाइल भेज देता था साहब, लेकिन साहब उस दिन जो मोबाइल हम लोगों ने उड़ाया था उसका लॉक खोला तो साहब मेरा दिमाग खराब हो गया देख के, उसमें लड़के और लड़की की वैसी फोटो और वीडियोस थी। मैं सिर्फ मजे लेना चाहता था साहब, ब्लैकमेल तो सिर्फ उसको बुलाने के लिए कर रहा था, इसलिए उसको गुलमोहर रोड वाले बंगले पर बुलाया, बेहोश करने के लिए उसके सर पर रॉड मारी साहब ताकि वो चीखे चिल्लाए नहीं। साहब दर्द और गुस्से में मैं पागल हो रहा था, तभी डिसाइड कर लिया था कि इसके साथ रेप नहीं करूंगा, उससे भी बुरा करूंगा। पायल
रफीक को क्यों मारा? वो सब जानता था साहब कि मैंने क्या क्या कांड किया, पर आप लोग भी उसको ढूंढ रहे थे साहब। मैं जानता था कि आप लोग पकड़ लोगे और वो सब बक देगा, इसलिए सब उसको पैसे का लालच देकर बस स्टैंड के पीछे बुलाया। रफीक भाई मेरे को जाने का है, पैसा लाया ना भाई, पैसा मेरे को। रफी को तो तूने मार दिया, लेकिन उसके मोबाइल ने हमें तुझ तक पहुंचा दिया। शौकत को उसके किए की सजा बेशक मिल जाए, पर पायल ने जो खोया है वो वापस मिलना नामुमकिन है। ये भी नहीं कहा जा सकता कि वो कोमा से कभी बाहर आएगी भी या नहीं। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।